दोस्तों 2021 साल के अक्टूबर के महीने में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, और T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया से जो खिलाड़ी खेलने के लिए जाएंगे उन लोगों का सैलरी कितना मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बताऊंगा उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर, तो इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों BCCI ने जब टीम लिस्ट यानी T20 वर्ल्ड कप के लिए कौन कौन जा रहे हैं वे ट्वीट करके बताया, तब से सब लोग भ्रम में पड़ गए, क्योंकि कुछ नाम ज्यादा खिलाड़ी जैसे कि शिखर धवन, युवेंद्र चहल, इन लोगों को टीम में जगह ही नहीं मिला, और वहां पर BCCI ने ऑलरेडी जो सालाना कॉन्ट्रैक्ट था वहां पर ऑलरेडी इनको इंक्लूड कर दिए थे, लेकिन फॉर्म के चलते शायद उनको नहीं लिया गया है। तो मैं दोस्तों जो सैलरी है वो सैलरी स्ट्रक्चर में बताना शुरू करता हूँ। दोस्तों सैलरी दो तरीके का होता है, एक होता है BCCI कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सैलरी, और एक होता है जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है उनके सैलरी। और कॉन्ट्रैक्ट में रहने के बाद भी जब मैच खेलेंगे मैच के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सभी हर एक खिलाड़ी कितना कमाने वाला है इस T20 वर्ल्ड कप से मैं आज आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी है उनसे। BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उनके अंडर पे टोटल 4 ग्रेड के खिलाड़ी आते हैं। एक है ग्रेड A+, उसके बाद आता है ग्रेड A, देन ग्रेड B, देन ग्रेड C। यहाँ पर सब मैं उन लोगों का ही नाम लूंगा जो कि T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं या फिर उनके हिस्सा है। ग्रेड A+ में जो खिलाड़ी है विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, इन तीनों को मिल रहा है 7 करोड़ रुपए सालाना। दोस्तों ये नोट कीजिए, ये सालाना इनकम है, तो महीने का लगभग 58 लाख रुपए मिलता है इन सभी खिलाड़ी को जो कि ग्रेड A+ में है। तो T20 वर्ल्ड कप के साथ इनका कोई लिंक नहीं है। तो दोस्तों ये तो गया सालाना इनकम। तो अभी हर एक T20 मैच पे या फिर हर एक टेस्ट मैच खेलते हैं या फिर हर एक ODI मैच खेलते हैं वो हर एक मैच पे इन लोगों को दिया जाता है एक्स्ट्रा पेमेंट, और उसे कहा जाता है मैच फीस। दोस्तों ये T20 वर्ल्ड कप है यानी मैच होगा T20 का, तो इसके लिए हर एक मैच में मैच फीस दिया जाएगा 3 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, हर एक T20 मैच पे दिया जाता है 3 लाख रुपए, और ये T20 वर्ल्ड कप है इसलिए सब लोगों को एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए यानी टोटल 4 लाख रुपए दिया जा रहा है मैच फीस की बतौर। और BCCI ने अनाउंस किया है टोटल 15 खिलाड़ी। जी हाँ, 15 खिलाड़ी का जो टीम है वो टीम लिस्ट बनाया है BCCI। 15 खिलाड़ी में जो पहले 11 खिलाड़ी है यानी जो प्लेइंग 11 में अपना जगह करेंगे उसको ही मिलेगा ये अमाउंट, और जो प्लेइंग 11 में नहीं रहेंगे उसको मिलेगा 50% ऑफ द अमाउंट। दोस्तों अभी बात करते हैं ग्रेड ए में कौन कौन है। ग्रेड ए में है आर अश्विन, KL राहुल, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या। तो इन 6 खिलाड़ी को सालाना मिलता है 5 करोड़ रुपए यानी लगभग महीने का 42 लाख रुपए लगभग, और साथ में 4 लाख रुपए एज ए मैच फीस। दोस्तों बात करते हैं ग्रेड बी के बारे में। ग्रेड बी में है जो कि ये T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे हुए है भुवनेश्वर कुमार। ग्रेड बी के खिलाड़ी को मिलता है 3 करोड़ रुपए सालाना, तो महीने का लगभग 25 लाख रुपए, और साथ में 4 लाख रुपए पर मैच। ग्रेड सी के खिलाड़ी यहाँ पर है अक्षर पटेल। ग्रेड सी के खिलाड़ी को मिलता है 1 करोड़ रुपए सालाना, महीने का मिलता है लगभग 8.5 लाख रुपए। दोस्तों ये तो क्या है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी का नाम, तब बताते हैं इनमें जो खिलाड़ी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी है जो कि BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर पे नहीं आते, जैसे कि सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, राहुल चहर, वरुण चक्रवर्ती। तो इन सब खिलाड़ी का क्या होगा, ये तो BCCI के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते हैं, तो क्या सिर्फ मैच फीस ही ये ड्रॉ करेंगे? जी नहीं दोस्तों, इनके लिए अलग सा सिस्टम होता है। क्या वो सिस्टम है? उनको T20 सीरीज के लिए ही सिलेक्ट किया गया है यानी T20 वर्ल्ड कप के लिए ही सिलेक्ट किया गया है, तो इनके लिए अलग सा होता है स्पेशल पैकेज जो कि होता है इस बार दिया जा रहा है 40 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, पूरे T20 सीरीज के लिए यानी पूरे T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए दिया जाएगा 40 लाख रुपए। ये आप खेलिए या फिर ना खेलिए, खेलिए मतलब आप टीम में हो या फिर बेंच में बैठे हुए हो। तो अभी अगर आपको खेलने का चांस मिलता है तो वो 4 लाख रुपए जो आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा जो कि है मैच फीस, और अगर बेंच में बैठे हो यानी टॉप 15 में होके हुए भी आपको चांस नहीं मिल रहा है तो आपको मिलेगा 50% यानी 2 लाख रुपए। दोस्तों इसके बाद कुछ खिलाड़ी है जो कि 3 खिलाड़ी स्टैंड बाय प्लेयर्स है, श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर। तो इन तीनों का क्या होगा, ये 3 तो है स्टैंड बाय खिलाड़ी, लेकिन दोस्तों स्टैंड बाय खिलाड़ी होने के बावजूद भी ये तीनों है BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। शार्दुल ठाकुर है ग्रेड बी खिलाड़ी यानी ग्रेड बी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, जिन्हें मिल रहा है सालाना 3 करोड़ रुपए लगभग 25 लाख रुपए महीने का, वो तो मिलेगा ही, और साथ में श्रेयस अय्यर और दीपक चहर है ग्रेड सी खिलाड़ी जो कि 1 करोड़ रुपए सालाना लेते BCCI से और महीने का बनता है 8.5 लाख रुपए लगभग। और दोस्तों
इन तीनों में से किसी को अगर चांस मिलता है T20 सीरीज में एंट्री लेने के लिए तो वे जा सकते हैं खेलने के लिए, तब उन्हें मिलेगा मैच फीस और मैच फीस का 50%, नहीं तो इन तीनों को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये ऑलरेडी BCCI कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है, इनके तो एक पेमेंट मिलता ही है। तो दोस्तों सब मिला के पेमेंट ऐसा ही दिया जाता है। दोस्तों दूसरे देशों में कैप्टन को एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों आपको का ये सैलरी स्ट्रक्चर पता था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, साथ में ये भी लिखिए कि क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।